स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे समाज शास्त्र जिसका कोड 039 है क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगर आप और भी सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सब वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, आपकी जो समाज शास्त्र में दो बुक है, समाज शास्त्र परिचय, ठीक है, और दूसरी है समाज का बोध। तो मिड टर्म में आपकी पहली बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको मिड टर्म में पहली बुक ही यूज़ करनी है। चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 4 यही आपके आ रहे हैं। ये जो टॉपिक है इन पर ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और समाज शास्त्र के अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इतना डीपली क्वेश्चन नहीं दिए जाते, और इसमें जो टॉपिक ये लिखे इन्हीं पर क्वेश्चन बनकर आते, तो यही टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे बेटा पूरे लाने के हैं या 80-90 तो आप बुक से जरूर पढ़ना, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। और इसके लिए आप बहुत ईजी से पढ़ना चाहते हैं तो सपोर्टिव मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं इसके 11th क्लास के, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और ऑफलाइन भी आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं पता, जो बच्चे प्राइवेट से गवर्नमेंट में आए तो उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सपोर्टिव मटेरियल की मैंने वीडियो बना रखी है, सपोर्टिव मटेरियल एएससी स्टार्टर लिखें, ये जो भी आप मेरी वीडियो ढूंढते हैं तो उसके बाद एएससी स्टार्टर लिखें, अगर बनी होगी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, समाज शास्त्र का आपको मिड टर्म का सिलेबस समझ में आ गया। मिड टर्म के बाद आपका जो भी आपका टाइम होगा तो उसमें आपको बुक सेकंड से कराया जाएगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ये आपकी दूसरी बुक है। उसके बाद फाइनल टर्म में आपका ये मिड टर्म का फर्स्ट, ये जितने चैप्टर ये वाले और बाकी ये वाले, ये सारे के सारे आपको करने होंगे। इसलिए आप अभी का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि आपके फाइनल टर्म में मिड टर्म के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको अभी से बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में आपको स्कूल से ही करवाया जाएगा, तो उसके बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ, ठीक है। तो थैंक यू, आप वीडियो को देखते हैं, मेरा शुक्रिया आपका। और मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आऊँगा, स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।